आज मैं जा रही हूँ, मतलब मैंने आई हूँ इधर कार स्पा पे। मैं दे रही हूँ कार वॉशिंग के लिए आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना वॉश भी नहीं होती है प्रॉपर। काम में मेरी प्रॉपर यूज़ में भी आ रही है। पापा की गाड़ी जो है मेरे पास बलेनो, वो तो मैं वॉश के लिए दे रही हूँ। गंदी हो रखी थी तो धूल मिट्टी भी इतनी है ना कि थोड़ा सा भी शीशे भी नीचे कर लो तो पूरा धूल मिट्टी। उस टाइम पर तो नहीं दिखती इतनी, पर बाद में इतना ज़्यादा गंदा दिखता है, तो वो मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो उसके लिए, उस वॉश कराने के लिए आई हूँ। तो अभी फिर मैं जा रही हूँ मंडी स्कूटी से। पीछे भाई आ रहा है तो स्कूटी से, वो स्कूटी लेके मैं जाऊँगी मंडी। तो चलिए ठीक है, फिर अब बाकी की बातें करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये है कार्स पर, छोटी सी एक नई शॉप खुली है यहाँ पे, तो मैंने सोचा यहाँ पे ट्राई कराते हैं आज। तो बोलिए भैया, ये है वॉशिंग सेंटर, यहाँ पर होगी हमारी गाड़ी वॉश। देखिए हमारी गाड़ी हो चुकी है अच्छे से वॉश, कितनी क्लीन हो गई है एकदम मस्त तरीके से। अब कितनी चमक रही है, और पहले कितनी धूल हो रही थी इसमें, पूरा क्लीन करा दिया। बस अब निकलते हैं हम घर, क्योंकि एंजल को लेना है स्कूल से। हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट मंडी से आने में, तो अब फटाफट से चलते हैं। और ये रही हमारी धनोरी, हमारी जान, पापा की गाड़ी। चलो चलते हैं घर। आगे देख कुछ ना, तो यार मैं लूंगा सामान नहीं ना। हाँ इधर इधर ही वो देख, इग्नोर कर रही है क्या, बहुत सुंदर लग रही वो, ये कह रही मतलब यू कह रही थी वो क्या। सो गाइस हम आ चुके हैं मंडी, मंडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, पता मैं लेट हो गई हूँ तो बंद ही होने वाली है, बट फिर भी हमें जो जरूरत का सामान है वो हमने ले लिया है। टमाटर रह गए, टमाटर मैं ले लेती हूँ अभी, ठीक है। ये है देहरादून की मंडी जहाँ मैं आई हूँ। यार सही में हमें टमाटर देख रही हूँ, टमाटर ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे, गले गले से हैं। बाकी देखते हैं, ये कट्टा भर के सब्जियाँ बनी घर मंडी से। और अभी आज मेरे शायद होने वाले व्लॉग का पार्ट थोड़ा सा लंबा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं, आज है ट्यूसडे और मेरा थोड़ा सा फ्री डे होता है, तो आज हम जा रहे हैं, बॉबी भी हैं यहाँ पे, तो हम जा रहे हैं कहीं वाटरफॉल ढूंढ रहे हैं कि कुछ नहाने के लिए मिल जाए, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी में ना डिहाइड्रेटेड फील होता है, तो कहीं वैसे जाने का तो मन नहीं करता। तो मन कर रहा था कि चलो होके आते हैं अब तो बिल्कुल काम से, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलते हैं कहीं बाहर। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, बट जस्ट एक माइंड में एक थॉट है कि हाँ जहाँ पर अच्छी कोई प्लेस हो, ऐसी सुकून वाली जहाँ वाटरफॉल हो या कुछ ऐसा। तो देखते हैं, यहाँ से अराउंड 10-15 किलोमीटर के अंडर होगा वो, तो हाँ 15 के अप्रॉक्स होगा, तो हम लोग वहीं जाएंगे। और अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो एट लास्ट सहस्त्रधारा, तो देखते हैं। बाकी सहस्त्रधारा में भी जाने का मन नहीं है, बाकी अभी ऐसा कुछ माइंड में थॉट नहीं है, मैंने आपको बताया जैसे कि। तो अभी कुछ प्लानिंग पर्टिकुलर हम चल नहीं रहे हैं लेके कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं। तो बाकी एंजल नहीं जा रही है साथ में, उसका बड़ा दुख है मुझे, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं परसों से, 11th of May से, तो उसका ट्यूशन जाना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई में उसके आजकल वैसे भी बहुत कंप्लेंट्स हैं, तो दैट्स वाई। तो उसको हम लेके जाएंगे संडे को जहाँ वो बोलेगी वहाँ, ठीक है। थोड़ा काम से टाइम निकाल के उसके लिए करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इसी व्लॉग में। और जो चैनल पे सब्सक्राइब है वो पहले प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को हो सकता है तो पूरा देखना, और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना गाइस प्लीज़, ओके। तो चलिए चलते हैं एक छोटी सी शॉप पे जहाँ से मैं ले रही हूँ कुछ स्नैक्स, मतलब स्नैक्स इन द सेंस कि जस्ट नमकीन कुरकुरे टाइप, और पानी पीने के लिए रुकी हूँ। अभी जा रहे हैं हम आगे, दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं। बहुत सुकून वाली जगह, बस नदी सी चलती है, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे इन्जॉय करेंगे, ठीक है, और देन फिर उसके बाद चलेंगे वापस घर, है ना। थोड़ा सा ट्यूसडे था तो इन्जॉय करना बनता था, भाई भी बोल रहा था तो मन भी था मेरा यार, बहुत डेली ना एक ही रूटीन, थक जाती हूँ यार बहुत, तो थोड़ा सा चिल आउट तो बनता। चलो गाइस ये देखो, यहाँ पे ब्रिज था, ये टूट गया, ब्रिज था यहाँ पे, कितना अच्छा है यहाँ पे, पता है यहाँ पे हम आते रहते हैं मालदीव का फॉल्स, इतने पहले आते रहते थे, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है वहाँ पे जाते रहते थे। और ये देखो कुछ लोग नीचे, ये पानी आ रहा है तो अपना बैठे हुए सुकून से पिकनिक मना रहे हैं। और ये ब्रिज, हम लोग भी उसी साइड थोड़ा सा बैठेंगे सुकून में, पानी में थोड़ा सा मज़ा आएगा। नहीं आए हैं तो
अभी ना खाने के लिए आते कि खाना है हमें, और यहाँ पे पानी डालते क्या ब्लैक चेंज मूड चेंज नहीं खाना सीरियसली तो चलो ठीक है, हम लोग करते हैं एंजॉय, बाकी आपके साथ अभी रील शेयर करते रहेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ इसी ब्लॉग में क्योंकि यू आर माई फैमिली यार, आपको तो पता होना ही चाहिए मैं कब क्या कर रही हूँ, मैं कब कहाँ गई, क्या किया क्या नहीं किया, आज मैंने फेस पे कुछ किया बहुत बेकार लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पता है मेरे को अच्छा गया मैंने ये शर्ट पहन ली थी ऊपर से, बिकॉज मतलब इतना ठंडा लग रहा है ना यहाँ पे, मुझे बहुत ठंडा सा लग रहा है अभी फिलहाल तो ठीक है। तो हम लाए थे गरम गरम समोसे, रास्ते में बन रहे थे, वो खाएंगे वो करेंगे इन्जॉय, अभी थोड़ा सा बैठने का अच्छा सा स्पेस देख लेते हैं पहले। पहाड़ों के बीच में कितना शांत माहौल, मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है ये। सो बॉबी बॉबी कैसा फील कर रहे हैं आप? है अमन 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 भाई तू भी बता दे। बढ़िया बढ़िया मौजा लुट रहे सब्जी भी लाए हम, देखो रोटी नहीं लाए, बस सब्जी लाए थे पैकेट करा के, समोसे आए देखो बॉबी के हाथ में, एंजल को हम मिस कर रहे हैं, है ना बॉबी, बट उसके एग्जाम्स है ना, ट्यूशन मिस नहीं कर सकते थे। ये बॉबी उन बच्चों के साथ मजे लेते हुए, और ये यहाँ देखो कितना अच्छा कितना साफ पानी है, और ये इसको नहाना था बॉबी को, तो ये चले गया पानी में, उधर गहराई है, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है उधर जाते हुए, बट आई कैन गो एक्चुअली, बट सोच रही हूँ कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि ठंड लग के तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है गाइस, जहाँ पर की लोग मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत ही मजेदार व्यू, बहुत ही शांति वाली जगह है ये। और जिसको इस प्लेस के बारे में पता करना है, देहरादून में, ये मेरे घर के कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत पास में है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता रहा।
ओए अमन देख यार ये देखो बॉबी ने उसकी फोटो खींची थी वो वाले फोन में, ये तो तू ही है, उसकी फोटो दिखा रहा है। ओ भाई तू ही है यार, उधर मत देख। अब हम चल रहे हैं, ये हमारी पिकनिक हो चुकी है ऑलमोस्ट ओवर, तो अब हम जा रहे हैं इस लोकेशन से, क्योंकि ये देखो आपको दिख ही रहा होगा शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट का मतलब लाइक सूरज तो छिप चुका है। तो अब हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोग आपको आने में लेट हो गया था, हम लोग 5 बजे तो यहाँ पर आए थे, तो अब जस्ट निकलते हैं। थोड़ा सा बहुत हो गया फन, लोकेशन बहुत अच्छी है और जिसको चाहिए हो ये लोकेशन उसको मतलब कमेंट में बता देना, मैं बताऊँगी पूरा एग्जैक्ट। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यार यहाँ का, अमेजिंग। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, आपका पता नहीं। तो बॉबी ने धो ली अपनी चप्पलें क्योंकि मिट्टी भर गई थी उसमें, और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि देखो रात अंधेरा होने वाला है, अब बस जस्ट हम लोग निकलने वाले हैं। ठीक है भी बाइक में पड़ी, चलो चलते हैं फटाफट से। देखो कितना रफ एंड टफ रोड है, एकदम ऑफ रोडिंग करते हुए जाएंगे हम। ऊपर आपको लाइट्स दिख रही होंगी, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हम भी निकलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, है ना। सो लेट्स गो। मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी क्योंकि आज घर में कुछ नहीं था बनाने के लिए, और तो एंजल ने बोला मुझे मैगी दे दो टिफिन में, तो मैं आज उसको मैगी दे रही हूँ। ऐसे मैं उसको ऐसा फूड देती नहीं हूँ मोस्टली, बट शी लव्स मैगी, तो इसीलिए मैं आज उसको मैगी दे रही हूँ। उसे बॉइलिंग मैगी पसंद है, उसे तड़का मैगी नहीं पसंद, इसलिए सिंपल मैगी लेके जा रही है। और किचन पड़ा हुआ है मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ये देखो ये भी कढ़ाई खाली पड़ी हुई है, ये भी मुझे वॉश करनी है, ठीक है। और ये और उधर देखिए पूरा किचन मेरा कैसे फैला हुआ है, और जब तक बर्तन नहीं धुलते हैं ना मुझे लगता है सच में ही मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अभी इसके जाते ही मैं करूँगी बर्तन साफ। एंजल हो रही है रेडी, इधर कर दिया मैंने एंजल का मिल्क रेडी, ये देखिए ये हो गया एंजल का मिल्क एकदम रेडी, एंजल हो रही है रेडी। ये देखो ये मेरी फ्रेंड रोसा ने मेरे को दिया था बनाने। What is this? Orbeez होते हैं ना? Orbeez को मैच किया? ऐसा लग रहा है कि क्रश किए होंगे। ये Orbeez उसको क्रश किए होंगे, लेकिन नहीं क्रश नहीं किए। उसके पास ऐसा कोई मम्मी बॉक्स आता है ना ऐसे वाले केमिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो क्या उसके पास था ये, तो उसमें ये भी था ना, तो उसने मेरे को ये बना उस केमिकल बॉक्स से। Okay, उसके पास भी है ग्रीन कलर का। ये लोग तुम्हारा मिल्क रेडी हो गया, तुम अपना मिल्क एंजॉय करो, ठीक है। मैगी भी हो गई है। एंजल गैस बंद कर देना, फ्लेम ऑफ कर दो। ऑफ कर दो, हो गई। तो चलो मैं कर देती हूँ उसको फटाफट रेडी, चोटी करनी रह रही है, और अभी दूध दे देते हैं उसका। चलो मिलते हैं।